बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, क्योंकि शो है तारों से करें बातें। माजी की रोमानवी जोड़ियाँ मतलब हीर रांझा और लैला मजनू के बाद हमारी फिल्मी जोड़ियाँ भी बहुत मशहूर हुई, जिसमें ज़ेबा और मोहम्मद अली साहब, उसके अलावा संतोष कुमार और सबिया खानम, नैयर सुल्ताना और दर्पण जी, और साथ साथ हमारी शबनम जी और रोबन घोष साहब, इन सब की जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हुई। ये सब तो हमारी इंडस्ट्री की लेजेंड्स जोड़ियाँ थी। उसके बाद बल्कि कई अरसे के बाद अगर कोई जोड़ी मशहूर हुई पर्दे पर और पसे पर्दा, तो वो है हमारे आज के मेहमान जॉन रैम्बो और साहिबा जी। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती है ये जोड़ी, जॉन रैम्बो और साहिबा। क्या हाल है निकिया? यार ये होते हैं सुपर स्टार्स, देखें पहली मर्तबा आप लोग को इज्जत मिली सेट पे, कोई मिलने ये नहीं हुआ हमारे सेट पे आज तक कि कोई आए और आते के साथ ही सबसे पहले उनको मुंह लगाए, मतलब गले लगाए। ये बड़े लोग हैं, ये देखें कितने बड़े बड़े लोग हैं। मैं अभी भी तरस रही हूँ। चलो बेटा बांदर किला हुंदा रहना, तुसी भी बैठो बैठो बैठो। बचपन से हीरो बनने का ख्वाब देख लिया था, क्या सकता हूँ, वैसे बातें ही होती हैं, लेकिन मेरे साथ हकीकत हुई है। शुरू से जब मैंने टीवी पहली दफा देखा, मैंने कहा नहीं ये इसके अंदर आना है, मैंने ये काम अच्छा है। जब आप पैदा हुए थे टीवी आ चुका था। तो कैसा था बचपन, कैसे गुजारा, फिर बचपन में जो ख्वाब देखा, पढ़ाकू थे? और पढ़ाकू में इतना था कि स्कूल से कभी छुट्टी नहीं की और कभी नंबर भी नहीं लिए। और मतलब पास हो जाता था, फेल कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैट्रिक तक मैं लगातार आखिरी दिनों में 2 महीने रटा लगा के पास हो जाना। गुड स्टूडेंट थे या फिर टीचर के ऊपर दिल फेंक कर आ जाते? टीचर मार रही तो स्केल खाए जा रहे, देखे जा रहे। नहीं नहीं, वो हमारे मुकद्दर में टीचर, हमारे तो ये टीचर थे। इंग्लिश मीडियम होती है टीचर्स, करके बैठे इधर आ था। लेकिन मैं एक बात करूंगा कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने साथ की वजह से बैठा हूँ। क्यों जी, ये सोफा उन्होंने बनाया। दो शख्सियात ऐसी हैं जो हमेशा अपने से ज्यादा आपको देखना चाहती हैं, एक आपका वालिद, एक आपका टीचर। आय हाय क्या बात है। इसके अलावा कोई बंदा आपको फलता फूलता नहीं देख सकता। तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे एक दो टीचर रابطے में हैं, मैं उनसे अभी भी फोन पे बात करता हूँ और बड़े खुश होते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। अच्छा, तो मैट्रिक के बाद क्या किया? बीए किया, बीए के बाद एमआईएम किया। एकड़ी डिग्री है जी, एमआईएम। तुहानू ही नहीं पता? किसी को नहीं पता, फिर गौर से सुने, मास्टर इन मरासियात। अच्छा, ये पेपर की चमोटे तो लिख के दिते जो तुम दिते पता होना। मैं जो दिते ने ना, वो सारा परचा मेरे इतने छपे है। अच्छा, चमोटे ना ब्रर लाई। अच्छा, कैरी ऑन नटा। अच्छा साहिबा जी, लाड प्यार से पली हुई लड़की, आराम से आसाइश से ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की, जब फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बन के कदम रखती है तो आंखों में उसके क्या ख्वाब सजा कर आई थी? रैम्बो के। अच्छा, वैसे इनके ख्वाब और मेरे ख्वाब, इन्हें बचपन से ख्वाब में परियां नजर आती थी। हाँ। और मुझे बचपन से ख्वाब में जिन नजर आते। अच्छा, आपने यकीन कर लिया कि मैं जिन हूँ? नहीं नहीं। हाँ। जकूटा के छोटे भाई हैं। इन्हें यकीन हो तो होएगा जब चिमड़ोगे। ये जिन कैरी हैं। तो फिर क्या ख्वाब थे आंखों में? मैंने बचपन से अपनी मदर को देखा था कि वो जहाँ भी जाती थी ऑटोग्राफ्स लेते थे लोग उनसे और तस्वीरें बनवाते थे,
और बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी, और मुझे वही मैं समझती थी कि बस यही बनना है, मेरी इंस्पिरेशन वही से है। अच्छा, ये हाँ, बचपन गया से था, वाओ, अच्छा फिर। और बचपन से ही मैंने स्कूल के जो ड्रामे टैबलोज वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन शुरू की, और एक दफ़ा सिंगिंग में मैं गाना था एक कवाली का, तो क्योंकि मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता, हाँ। यानी मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, तो कवाली में मुझे पीछे बिठा दिया, तो उस वक्त भी मेरे अंदर हीरोइन थी कि मैंने कहा मैं पीछे नहीं बैठूंगी, आगे बैठूंगी, आगे बैठूंगी। मैंने छोड़ दिया फिर। अच्छा, हाँ, मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने नहीं करना। तो तब से ही एक लीडिंग लेडी का वो था कि मैं हूँ और मैंने हीरोइन बनना है। और उस वक्त जब मैं 9th-10th में पहुंची, हाँ, तो तब से फिर मैं माधुरी की फैन हो गई। ओ, माधुरी और गोविंदा। अच्छा जी। हाँ, उनकी एक्टिंग करती रहती थी, तो जैसे ही फिर चांस मिला। तो चांस कैसे मिला, अम्मी ने रेकमेंड किया था या फिर अम्मी मदर के साथ तो कभी लेकर नहीं आना? 10th क्लास में थी जब मैंने जिद करना शुरू की कि मैंने तो शोबिज में ही आना है। सपोर्ट नहीं थी? हाँ, बिल्कुल भी। हाँ, उन्होंने कहा कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि ये बहुत टफ है, शोबिज कोई इजी जॉब नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाना टाइम पे नहीं खाया जा सकता, नींद का प्रॉब्लम होता है, काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं। आपको लाड प्यार में पाला? हाँ, तो वो इस वजह से उन्होंने कहा, वरना क्योंकि उनका ये प्रोफेशन था तो अच्छा तो उनको भी लगता था, उनका भी दिल चाहता था कि उनकी बेटी जो है या अगर उनका बेटा है तो वो फिल्म में बड़ी स्क्रीन पे नज़र आए। तो मेरी अम्मी की जो मुखालफत थी वो सिर्फ इस वजह से थी कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, लेकिन फिर मैंने उनको जो जो थ्रेट्स दिए हैं ये बस वही जानती है। वो जानती है या फिर रब जानता है। आजकल तो माशाल्लाह काफ़ी पक्की एज में लोग आ रहे हैं, हाँ। ख्वातीन भी। एक बात भूल गई हैं, इनको पहले ऑडिशन हुआ है बाकायदा, जावेद फाजिल साहब ने लिया था। ओके। और उन एक फिल्म में ये सिलेक्ट भी हो गई थी, हाँ। उन्होंने आधा गाना करके निकाल दिया कि ये तो बहुत ही छोटी है भाई, ये तो लग नहीं रही बड़ी लड़की है, बच्ची लग रही है। जी जी, तब काफी मतलब ये लोग मुझे ये भी रीमा शान ये लोग बहुत पसंद थे, इन्हें देख कर मैंने कहा ये अब तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी हो रही है। तो क्योंकि इंस्पिरेशन तो ये थी ना कि इंडियन फिल्में बहुत अच्छी होती हैं और वहाँ पे काम अच्छा होता है, लेकिन जब रीमा और शान आए तब मैंने सोचा कि ये लोग अब तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, यंग लोग भी काम कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर फिर मैंने और जिद करना शुरू की। क्या बात है। तो जो ब्रेक थ्रू थी वो क्या थी आपकी सबसे पहली? ये वो शख्स है। ये कैसे, मुन्ना बिगड़ा जाए तो आपकी ब्रेक थ्रू नहीं थी? मेरी पहली फिल्म इनके साथ थी हीरो, और उससे पहले ये दो फिल्में कर चुकी थी जो पता नहीं कहाँ लगी थी, किधर निकल गई और हिट नहीं हुई वो। नहीं नहीं, कहाँ, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हिट हुई थी? क्या बात कर रहे हैं आप, बताएं बताएं। हैट्रिक की थी, हैट्रिक? मैंने फ्लॉप फिल्मों की। मुझे लगा सच्ची। फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मुझे फिल्म मिली साथ में ये थी, वो फिल्म हीरो थी और मेरी पहली थी, इनकी चौथी फिल्म थी, वो चली, तो उसके बाद फिर इनको ब्रेक थ्रू भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। आए, आए, और आए। इनको ब्रेक थ्रू मिला, मुझे ये मिल गई। पहले दिन दी तरह खूबसूरत जोड़ी, शुक्र है आज रैंबो साहब ने कोट पैंट दे थले क्वाटी चप्पल नहीं पाई। चलो पूरा तो हो रहा, जराबा नहीं ना पाई है, वो लगता हूं भी पहाड़ी चढ़न लगे ने या उतरन लगे ने। जराबा नहीं पाई है? नहीं पाई है। अन्ने होए हो यार। स्लीवलेस शर्ट तो सोनी सी, आ गिट्टा लेस जराब पहली बारी वेखी। चाचा सर्दी भी अजे अद्धी आई है ना, साहब अद्धे पहाड़ी ते अद्धे ताड़ी ने। सर्दी शुरू हुई है ना, तो जराब इन्नी है, दो महीने बाद इत्थे आएगी, दिसंबर जनवरी इत्थे तक पहुंचेगी। सर्दियों के हिसाब नाल मैं क्या लिया के लंदन यूरोप च इत्थे तक जराब पांदे, जिहड़ी हाईनेक होंदी है असर जराब ही होंदी है। पिछलियां सर्दियां च ते रैंबो साहब ने इत्थों तक जराबां पाईयां सन। ओ क्यों? हां रजाई छोटी है। जराबे छोटी पहने या बड़ी, लेकिन जब उतारते हैं ना तो नहीं पता चलता है। आपने मुझे अलग से परफ्यूम लेके दिया, वो मैं लगा के पहनता हूँ। अच्छा, वो जो परफ्यूम आप जब लगा लेते हैं ना तो वो जो मिक्स होके एक स्मेल आती है ना, काफी देर की होश रखती है। परफ्यूम नक फड़ के जगह लपड़ने आंदा, मैं किधर निकला। छत
ਪਟੀਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਸੇ ਬਤਾਏ ਅਭੀ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰੀਏ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਘਟਣ ਦੇ ਆ मैंने तो ये भी सुना है कि रैम्बो साहब जब कोई ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं और जब बिल पे करने की बारी आती है तो पॉकेट से वॉलेट निकालने के बजाय मोजा निकालते हैं, मोजे के अंदर नोट रखे हुए होते हैं और ये वही मोजा होता है जो पहनने के बाद रख लेते हैं कि यार अभी धोएगी साहिबा तो पर मुझे सुननी पड़ेगी। ईमान की बात है, ऐसी भी कोई बात ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਜ਼ੇ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਏ ਡੋਂ यार मैंने तुम लोगों को क्यों दिया है हंसाने के लिए बकायदा मेरी बेइज्जती शुरू कर दी बकायदा वास्ता जे बूट पाए ने ते तुसी बर्दाश्त हो रहे हो जे नंगे पैर ही आंदे ते मैं बाहर निकल जाना रैम्बो साहब मैं गारंटी लेती हूं मैंने भी पूछना जेड़ा इत्थे आके मेरा हाल हो रहा है हालांकि उतला बटन मैं सिर्फ इस करके बंद किया है कि पता लग जाए कि यहाँ से मुंह शुरू होता है ये तो पता लगता है कि शुरू कितों होता है यह नहीं पता लगता कि मुकदा जाके कि माशाल्लाह तुहाडा मुंह अगर चाचे के मुंह से ला दें चाचा मुंह भरने जा कार भरते ही पहले ना गेट मुंह फस जाते अद्धे बच्चे बाहरों तिक्का लाते हैं अंदरों भाभी खिंच रहे होंगे आजो मेरे सरदार पिछों को दुलत्ती पैंदी है तो जाके भाभी के पैरों जा रही चाचा घर ही ना कमरे भी थोड़े ने अद्धे मुंह से बच्चे सौंदे ने अद्धे दे भाभी खाना पकाती और महल को विह निकल आए ना सीधे आते हैं हसन भाई अपना मुँह देना असं कनातं लानी है लेकिन हसन भाई कहते हैं जी मेरी एक शर्त होनी है ओ, हाँ, क्या? ओ, एक जितना भी बच्चा खाना है ना इस हो जी इस हो इनकी तो वो मिसाल है ना मुंह ना नासा मैं भी रैम्बो नाल फिल्म में चासा मेरे नाल फिल्म में आ चुके ने उसके हाँ, बाद ही इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो ला भैन मेरी है मैं तो पहचान दिया ऐसा तू मेरी फिल्म जा रही है आपका तो वैसे भी उजड़ी फुफो जैसा मुंह अभी वेस्टकोट है ना ये भी इन्होंने वड्डी फुफी दे ना जहेज दी रजाई दी बढ़वाई है दो दो फायदे ने गर्मियां सिद्धी करके पा लेंदे सर्दियां च रूई पा के उत्ते लै ले ब्रेक के बाद मिलते वेलकम बैक आप देख रहे तारों से करे बातें और हमारे साथ हमारे रैम्बो साहब मौजूद हैं कॉकरोच किलर आप कैसे रजामंद हुई और आपको इनकी कौन सी बात ऐसी मुतासिर कर गई कि आपकी तरफ से भी इब्तिदाई इश्क जो है वो शुरू हो गया यानी मुझे तो आप नजर आई आपको मेरे में क्या नजर हाँ आए? ये मैं आज तक सोच रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ सका मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा है कि क्या मुझे इनमें नजर आ रहा है आप लोगों से पूछती हूँ कि मैं मुझे क्या नजर आ रहा है तो कख नजर नहीं आया जाहिर उदो तो कख अगे नेरा सी जब मुसफा खामा तो कीम की दुकान तो नहीं लभदा मुझे वाकई जब फेक लोगों में बैठ के मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ मुझे जो इनकी अंदर से जो प्योर थे ना ये बहुत जो बिल्कुल भी कोई बनावट नहीं थी जो बात थी वो सच थी और इनकी बात में मुझे सच्चाई नज़र आई अच्छा हाँ क्योंकि वो एज ऐसी थी कि उसमें ये सब कुछ गलत भी हो सकता था यानी झूठ भी हो सकता था ये लेकिन मुझे एक बहुत सच्चाई नज़र आई बहुत ज़्यादा तो उस वजह से फिर काम साथ इकट्ठे इतना ज़्यादा किया आउटडोर्स में ज़्यादा इकट्ठे रहे तो मुझे लगता है कि प्यार कुछ नहीं होता एक दूसरे की आदत हो जाती है एक दूसरे के बगैर इंसान रह नहीं सकता जब आप अपने घर जाते हो तो फिर आप वो मिस करते हो कि हाय मैं वहाँ वापस चला जाऊँ पास चला जाऊँ तो ये चीज़ प्यार होती है एक दूसरे को मिस करना जब आपको एक आदत पड़ जाती है जब निकाह हो गया तो सबसे बड़ी इज्जत तो ये दे दी ना इन्होंने मुझे तीन फिल्में डेड फ्लॉप दे चुकी थी पहले दिन हम सेट पे आए बारिश का गाना तो तैयारी व्यारी हुई शॉट रेडी हुआ खानू सम्राट थे
तो शॉर्ट रेडी हुआ तो खानू इसकी जगह रिहर्सल कर रहे थे, मैं अपनी कर रहा था। हमने शॉर्ट शूट रेडी होके देखा तो बुलाएं जी बुलाएं मैडम को बुलाएं, तो मैडम ही गायब है ही नहीं। तीन फिल्में डेड फ्लॉप है, सेट से चली गई। ओए अल्लाह, उन्होंने कहा पर उस वक्त तो मोबाइल इतना आम नहीं था। आजी साहब घर पहुंच गए कि किधर ये गाड़ी स्टार्ट की घर चले गए। कल आके पता चला कि जी मैडम ने कहा जी कि ये ड्रेस मैंने नहीं पहनना, तो उन्होंने कहा जी यही ड्रेस है इसके अलावा कोई है नहीं। तो वो बहुत टाइट और बड़ा पतला सा ड्रेस अच्छा, था अच्छा, तो अच्छा, ये अच्छा। छोड़ के चली गई थी कि हमने फिल्म नहीं करनी, जिसको मर्जी करवा। क्या बात है यार, मैं तो तालियां बजाऊंगी इस बात की, तो बहुत अच्छी लगी बात। बीबी जो मर्जी पाल लो तुसी, जो आपकी मर्जी का। फिर इन्होंने एक मोटी सी साड़ी पहनी, तो एक शॉट बना, तो अगले दिन भी एक और ऐसा शॉट बन गया। तो ये कहते हैं मैंने नहीं देना। अब सारे बैठ गए कि यार बिल्कुल ही सादा गाना, बिल्कुल ही फिक्का गाना, हीरो उधर हीरोइन उधर, कैसे बारिश का गाना है। तो इन्होंने कुछ घूम के मेरे पास आना था और कुछ ऐसा शॉट था, तो ये नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा यार भी तो गाना नहीं लगेगा, तो बिल्कुल ही ये तो ड्रामा ही हो जाएगा, दूर दूर खड़े हैं। तो मैं पास गया, मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, अगर आपको शॉट के अंदर कुछ महसूस हो तो आपने चलते शॉट में मुझे चपेड़ मार देनी है। हाँ हाँ। इन्होंने मुझे यूं करके देखा, मेरी बात में कुछ लगा कि नहीं यार ये एडी बड्डी गल एमए नहीं कर सकता। तो इन्होंने वो शॉट दे दिया। शॉट खत्म हुआ ना तो मुझे अभी भी याद है कि 100 दे क्लोज लगे इंज करके, इंज करके मैंने देखा काम पै गया। उसी लुक में वो लुक एक अलग सी लुक थी, जो मतलब लड़की किसी लड़के के लिए समझ जाए, वो काफी याद रह गई, वो मुझे याद रह गई, लेकिन वो थी चेंज लुक। अच्छा मुझे नहीं ना मानो मान ले जी। आगे अब आप बताएं। उस टाइम हम इकट्ठे जब शूटिंग वगैरह करते थे, तो ये मुझे देखकर ना एक दिन इन्होंने गाना गाया सुन साहिबा सुन। नहीं नहीं अगर तू ना बनी। अच्छा ये अब मेरी साहिबा। अच्छा मैं गुनगुना रहा था हल्का, तो मैंने ऐसे ही, तो ये नीचे इनका ध्यान भी कहीं मेरी तरफ था। क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं तो गाना गुनगुना रहा हूँ। अब याद है, अब मैं फ्लैशबैक में पूरी तरह गई हूँ। ये बहुत हल्का सा गुनगुना रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान इनकी तरफ था। मैंने कहा ये क्या आप कह रहे हैं? मैं गाना गा रहा हूँ। और उसी फिल्म में कहीं मैं सो गया, कोडू साहब की इतनी सी टांग पे ना, मैं छोटे से तकिए पे ना सोया हुआ था। ये कि सामने बैठी थी तो मैं आंख मेरी लग गई। हाँ। तो मेरी आंख खुली तो मुझे कोटू साहब कहते हैं ओए पठाना। मैं कह जी ओए काम पै गया। मैं कह जी की ए कुड़ी तेनू वेखदी रही है जदों दा तू सुता रहे। खुदा का खौफ खाएं, अल्लाह को जान देनी है, मैं आपको देखती रही। कैसे हुआ सब कुछ, मानी कैसे? वैसे ये भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैं कैसे आई लव यू बोला, हाथ पकड़ा। एक पार्क में हमारा गाना हो रहा था। अच्छा हर जगह गाना हो रहा था मगर लव यू अभी तक नहीं हुआ? नहीं ना, काम ही करते रहते थे हर वक्त। वैसे हमारे जो ज्यादातर शूट थे फॉरेन कंट्रीज वगैरह में ज्यादा हुआ करते थे, श्रीलंका, टर्की, रशिया, यहाँ पे। तो वो गाना यहाँ पाकिस्तान में ही हो रहा था, ये जो अपना लाहौर पार्क है। ठीक है। अब हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे ना चुप करके पीछे छुपा के आए मेरे पास, फूल निकाल के दिया गया। हाय हाय, गुलाब का फूल। हाय हाय हाय। और फिर वो इन्होंने शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक दिन इन्होंने मेरी डायरी खोली, उसमें वो फूल पड़ा हुआ था। ये आपकी जिंदगी की पहली फूल थी। बहुत बड़ी फूल थी। अच्छा वैसे किसी को पहचानना हो, किसी को देखना हो, तो उसके साथ सफर करना चाहिए। सफर तो करना। इनके साथ मैंने सफर इंग्लिश वाला भी बहुत किया और उर्दू वाला भी बहुत किया, तो इस वजह से सफर में एक दूसरे को जानते गए। उन दिनों भी अगर किसी और हीरो के साथ फिल्म कोई एक आधी करती थी, ये कोई ज्यादा नहीं, ज्यादा 60 फिल्में की हैं जिसमें से 35 मेरे साथ हैं। जी जी, 35-40 मेरे साथ हैं, 15-20 फिल्में इधर उधर की हैं जो चली गई अल्लाह के फजल से। ये देखो दुआएं करते रहे उसके। अगर वो चल जाती तो फिर बन जाता है ना, मुझे डर था ना कि यार इसकी फिल्म किसी और के साथ ना चले। तो मेरे साथ ही 10-12 जो हिट हुई हैं वो मेरे साथ। सफर तो याद आया, जब मुल्कों बार सफर करते हो, मुंह जिहड़ा बुक कराते हो या हैंड कैरी करते हो? बुक की कराते, ठुड्डे वज वज की ताई इधर उधर होया। बुक नहीं कराते,
इस मुंह नाल बुक बुक रोंदे ने। माइंड क्यों कर रहे हैं? माइंड नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा। वैसे यह गल है रामो साहब ताड़ी जोड़ी अल्लाह पाक इन इसे तरह कायम दायम रखे। वड्डी इत्ते वेज ना देना। साडी भैण नाल जोड़ी बनी है मेहरबानी, और असीं गैरतमंद भरा वा माशाअल्लाह, और वो गैरतमंद जिहड़े भैणां दे घरों पानी नहीं पींदे। वाह। शाम नूं मैं आवांगा, कड़ाई गोश्त तैयार रखी हो, पानी मैं अपना लैके आवांगा। माशाअल्लाह, ये गैरतमंद नहीं जरूरतमंद लग रहा। और इस जोड़ी नूं बनाउण वास्ते तुसीं वी बड़े हत्थ जोड़े ने, बल्कि तुहानूं पैसे भी जोड़ने पए ने। पैसे नहीं जोड़े, मैं घर जोड़िया सी। मकान बनता है, घर तुहाडे दोवां नाल बनता है। अरे वाह वाह वाह, ये अच्छी बात है। सही कह रहे हो रैम्बो साहब, तुसीं पैसे नहीं जोड़े, तुसीं मकान जोड़े है जी। इहदा घर बनाउण वास्ते ना कोई तुसीं आर्किटेक्ट कोल गए हो, ना मजदूर बुलाया, ना राज नूं सहमत दित्ती, बल्कि सारे काम आप कीते ने। सीमेंट भी आप ही घोलन डे ने, और पानी वास्ते बाल्टी भी इस्तेमाल नहीं कीती। नलके च मुंह ना पानी भरदे सन ते आके सीमेंट ते सुट दिंदे सन। इनको मना किया करो घर ना आया करें। ऐसे उन्होंने मना कर रहे ने, वापसी ते आप लेके नाल जा रहे हों। चाचे का बड़ा फायदा है, थोड़ा सा बाजार हाथ पे रखो, यहाँ बैठ के खाता रहता है। अच्छा, और तो और आपने घर के पंखे भी खुद लगाए? हाँ हाँ, मैं लगा लेता हूँ, घर के काम करने चाहिए। जब आपकी शिफ्ट बाहर नहीं लग रही तो घर में लगा ले। अगर ये मुझे खाना डाल के देती हैं, मैं बना लेता हूँ तो क्या हो गया, बात तो बराबर हो गई ना। अगर ये कपड़े उठा के मशीन तक ले आती हैं तो मैं डाल के धो देता हूँ तो क्या फर्क। अगर ये बर्तन इकट्ठे करके रख देती हैं तो मैं धो देता हूँ, क्या है। ये सच बात है, सारे काम रैम्बो साहब ही करते हैं, कोई इस पर लतीफे बने हुए। अच्छा लगता है, मियां बीवी को ऐसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना। अच्छा, मुझसे बाहर जाओ तो वहाँ पे भी तो गोरे जितने होते हैं, उनके मियां बीवी दोनों काम कर रहे होते, उधर तो कोई ये बुरा शर्म नहीं समझी जाती। हाँ बिल्कुल, मेरे घर में भी नहीं बुरा समझा जाता, इन लोगों के घरों में समझा जाता। अच्छा, मैं तो इनकी छुट्टी से डरती हूँ, जिस दिन ये घर में फारिग होते हैं पंखे खोल के बैठ जाते हैं, बाथरूम का कमोड ठीक करने लगे। अजीब सी इनकी वो प्रॉब्लम्स है, मुझे समझ नहीं आती। आधी रात को बेड के पेच ना ढीले कर रहे होंगे, अजीब। क्यों? हाँ हाँ, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। यानी कि तुम्हारे खामन ना हो को मिस्त्री टाइप बंदा ही हो गया। चीज खराब होना, इनको उलझन होना शुरू हो जाती है। अब ये देखें कितनी चीजें खराब हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बैठे। फ्रिज का उतला खाना खराब हो तो उन्होंने खोल के बीच ओवन फिट कर दें। अच्छा? बल्कि कई बार तो जराबा धो के ओवन च सुखा लेती है। वेलकम बैक, आप देख रहे तारों से करे बातें। घर में अमूमन खाना आप खुद पकाती हैं या फिर रैम्बो साहब? मैं बनाती हूँ, कुक हो तो वो बना देता है, लेकिन जब कभी छुट्टी हो, काम पे ना जाना हो, तो रैम्बो साहब कभी कोई कढ़ाई, कभी कोई कुन्हा, कभी कोई पाए, गोभी गोश्त। क्योंकि फेसबुक पे हमेशा वो पिक्चर्स अपलोड होती है जिसमें वो जो खाने की बातें सुनने को मिल रही होती है, उसमें तारीफें बहुत ज्यादा होती हैं रैम्बो की। शोरबे वाली मच्छी, सर्दियों में खग्गे रेंज करके उंगलियां जुड़ दिया ने। और क्या क्या अच्छा पका लेते? मैं कुछ भी बना लेता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया, हर चीज पहली पहली दफा बनाई है, सही बना लेता। वैसे मुझे तो पागल भी बहुत अच्छा बना लेते। अच्छा, रेशम, मीरा जी, ठीक है, उसके अलावा सऊद और जवेरिया, मोमी, ये सब आपके गहरे दोस्त हैं, और आपके रीमा जी साथी, आप लोगों के ये सारे फ्रेंड्स भी हैं। हाथी मेरे साथी फिल्म भी थी जी, सारे आप लोगों ने साथ काम किए। तो आपकी शादी कराने में किसने बहुत अच्छा सपोर्टिंग किरदार अदा किया और आपकी? वैसे तो मेरी शादी कराने में पूरा पाकिस्तान मेरे साथ था, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। और एक दफ़ा शादी के बाद मेरी एक शूटिंग थी और ये मेरे साथ थी, शान की कोई फिल्म थी, ये काम नहीं कर रही थी, हम नारायण कागान गए हुए थे
वहाँ एक कपल मिला हमें, उन्होंने कहा हम अमेरिका में आपकी शादी हमने सेलिब्रेट की है? मैंने कहा जी आपने अमेरिका में कैसे? कहते हैं हमने वहाँ बकायदा आपकी रस्में मेहंदी या वो रख के आपस में दोस्तों ने खुशी मनाई थी, ढोलकी रख के खाना खाया था सब। क्या बात है, बच्चा बच्चा हमारे लिए दुआ करता था कि इनकी शादी हो जाए। और वैसे स्टूडियो में भी सारे डायरेक्टर सारे प्रोड्यूसर, बाजी संगीता का बहुत बड़ा हाथ था। एक मज़ेदार बात बताऊं, एक फिल्म हम कर रहे थे, मैडम संगीता डायरेक्टर थी, हम हीरो हीरोइन थे, तो मैं टैक्सी ड्राइवर हूं और ये मेरी गाड़ी में टैक्सी में बैठती हैं, तो मैडम साथ साथ थी, उन दोनों सख्ती बड़ी थी, वो मान नहीं रही थी। हाँ। तो मैंने मैडम से कहा मैडम मैंने ज़रूरी बात कर दी है, तो मैडम तो बात ही नहीं होने दे रही। हाँ। ये बैठी हुई हैं, शॉट रेडी हुआ, ये चुप करके इधर आ गई, मैं चुप करके उधर चला गया। मैडम ने कहा अच्छा, मैडम कहा बट साहब कैमरा टैंकी पर रखो, तो रैम्बो तुमने ये करना है, गाड़ी रिवर्स करनी है, गैराज से निकालनी है, तो ये इस रोड से जाओगे और वो ऊपर वाला रोड ना क्रॉस करके आना। 15 मिनट का टाइम दे दिया उन्होंने और कैमरा ऊपर है, तो मैडम ने कहा कि ये, और कैमरा चल नहीं रहा था। हाँ। वो मुझे कह रहे कैमरा नहीं चलेगा, तुम गप्पे शप्पे मार के आ जाओ। मैडम निशो को ये ना पता चले कि ये क्या मुझे, क्योंकि उन्हें तो पता था वो भी हीरोइन थी, तो कैमरा ऐसी जगह रखवा दिया कि जहाँ से टॉप एंगल बन रहा है, ये टैक्सी का शॉट है, तो क्लोज में बाद में ले लूँगी, चलो दिशो इधर आओ हम बातें करते हैं। तो बाजी संगीता ने बहुत हेल्प की, सब ने की, और दोस्तों में सऊद मोमी इन सारे ही हैं, लेकिन शान इसकी तरफ से आया था, सऊद भी इसकी तरफ से आया था। अच्छा। हाँ हाँ, वो मेरी तरफ से नहीं थे, वो कह रहे थे भाई हम साहिबा की तरफ से आए हैं, हम अपनी बहन को रुख्सत कर रहे हैं, ये दोनों ने कहा था। और मेरी हेल्प जो है ना वो रीमा ने बहुत, ये तो इनके प्रोफेशन के जो साथी थे उनकी है ना, बाकी पब्लिकली भी बहुत बुढ़िया बुढ़िया औरतां घरां दे विच मामा भैणा साडियां हाय नहीं कितरिया रहा रैंबो दा विआह इस कुड़ी नाल हो जावे। मुझे मिल के कहते थे तेरी सास ठीक नहीं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आज अगर मेरे सर पे मेरी जाती छाता है ना, तो मैं पहले शायद बात कर चुका हूँ, वो मैडम निशो की वजह से। शर्तें रखी थी ना रैम्बो से, आपको कहा था घर बनाओ गाड़ी लो, चाचा ते अजीब अजीब फटीका पांदा है, मसलन कहंदा है कि मैनू जिंगर बर्गर ना दित्ता ते मैं रिश्ता तोड़ दवांगा, मैनू पकौड़ियां ते चटनी ना पा के दित्ती ते मैं रिश्ता तोड़ दवांगा। ये ते इहो जिहा सालन च तरी नहीं सी पई, ये कहंदा मैं रिश्ता लेना ही नहीं। फिर वो कुड़ी ब्याहती तुसी। अच्छा, हमने काफ़ी काम किया है स्टेज पे इकट्ठे, आपने एक शेर इजाद किया था बाकायदा, जो कि फिर हर ड्रामे में मुझ पे कहते थे। उसमें मैं नशे ही करना करेक्टर कर रहा था। हाँ। मैं आँख तेरी विच चैन कोई नहीं, दिल तेरे विच रहम कोई नहीं, और रैम्बो बुलावे ते भज भज जावे असी बुलाइए ते टाइम कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, आप दोनों के मिजाज में बड़ा फर्क है, आपको कैसे पता है? बहुत सीधी सादी कम वो बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, और ये माशाल्लाह इनको तो बस लगता है कि कहीं से लीड ली हुई है, कोई करंट लगवा लिया अपने आप को। इतना मिजाज में फ़र्क है, फिर भी केमिस्ट्री ऐसी है कि मतलब समझ नहीं आता, इतनी बाउंडिंग है, तो उसका कोई ख़ास राज है तो शेयर कीजिए ना। नहीं, अगर दोनों एक जैसे होते तो फिर बहुत लड़ाई होती ना, एक ज़रा ज़्यादा है हाइपर और मैं थोड़ी सॉफ्ट हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मोस्टली गुस्सा इनको आता है, आप धीमा करती हैं। इसे साल में एक दफा आता है। अब मुझे फिर इनको मनाना मुश्किल है, एक दफा मैं काफी दिन बाद मानती हूँ, और इनका हर लम्हे बाद गुस्सा होता है, हर लम्हे फौरन अगले लम्हे खत्म भी हो जाता है, लेकिन उसमें ये बहुत बर्दाश्त करती हैं, बहुत बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती मुझे, हालांकि मुझे जवाब ऐसे ऐसे आते हैं ना कि वैसे भी बड़िया ने जवाब नहीं देना। 10 साल का फर्क नहीं लग रहा है कि एक जैसे ही है, 32 साल। इसलिए कह रहा हूँ कि एक जैसे। क्या बात है, पाकिस्तानी बत्ती है सिर्फ 5 मिनट आस्ते आंदी। अच्छा हुण ना वो हरकतां करी, मैं तां कोई चुक छुक पै गई। अल्लाह ना करे तुहाडा गोडा निकल गया तो वैगन दा पौणा पै जाएगा, और अगर उनका निकल गया तो ट्राले का लगाना पड़ेगा। आज का मोला जट जानलेवा साबित होने लगा था। संजय
खूबसूरत लड़की तस्वीर बनवाने आई। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ बस। मौलिया क्या करता है? सेल्फी लेन दी कोशिश कीती है मुटियारे। और सेल्फी ले तू तो जान लेन लगे ऐसे। साडे मुल्क दे सुपरस्टार आए ने, इना दिया सेल्फियां नहीं लेनियां ते होर मैं इना कोलो केड़ा 10 10 बीवी ले। 10 10 भी देंगे, जाके बाथरूम दे बाहर बैठ। ओए मेरा एनआरओ करवा दे। ओए जे तू एनआरओ ही करना सी ते एना आकड़ना क्यों सा? तमीज नी तेन औरत नाल किवें गल कर दी? हाथ चुकेगा ते मैं तेरा मोबाइल चुकांगा। जे है चुकन वाला ते चुक। बकवास है, किसी तरह हाथों च हाथ पाए। हाथों च हाथी पाने। बकरे का सदका दें, आप लोगों का मौला बच गया। बकरे का की देना है, इन्हू आप ही सदका कर दे। रोज आके हमें कहता है ये मौला, इन्हू मौला नहीं मारे तो मौला नहीं मरता। मौला कितना बताएगा, रात को अब तुम्हारा अंग अंग दुखेगा। ऐते रोला जाटी है, असल ओ है मौला जाट। मेरा इन्ना रो करा दे। मैं तो कपड़े ठीक कर रहे हैं। तू मेरा धोखा कराया मुटियारे, दो घंटे तो कह रही सी कॉमेडियन हीरो है, एक्शन हीरो है। ए अफजल खान है, अफजल खान है। कूड़े मैं तो सही रही। बहुत होशियार बन रहा है ना। हाँ हो। अचल मेरे सवाल का जवाब दे, तेरे पास दो रोटियां हैं, हाँ। अब तूने दोनों की दोनों खा ली तो तेरे पास बचा क्या? सालन। ते रोटियां किदे नाल खा दिया नहीं है? रोटियां। और लेडीज़ ना गल हो रही, बाजी नू भेजो मैं उन्हें दस। तुसी खोते वाली फिल्म करके मैनू ही फड़ लिया जी। मैं कुछ नहीं, मैं खोते वाली फिल्म। ओए ना करा मेरा एनआरओ। ओए जेड़ा लाडला नत तुहाडे चलान कर रहा है, परी जाओ, लवो मजा तब्दीली दा। इतनी छेती गड्डी कार नहीं पहुंचती, जिनी छेती चलान दी पर्ची कार पहुंच जाती है। घर जाके बिल भी दियो ते बिल दे जो पर्ची दी आवाज आंदी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हुए थे, 500 रुपया जुर्माना भरी और घर में एंटर हो गए। कोई पुलिस वाला तनु रोकता सी, तुसी 150 दे के निकल जांदे सी। किधरे 100-150 ना भी होना ते तरला कर लेना, नहीं तो ज्यादा उन्होंने मोटरसाइकिल के टायर चो वाह कट देने। तो मेरा मुंह एकदम है साइड से होकर मुंह नाल ही वाह भर के ते फिर बैठ। मोलिया की गल है? ओ तो चला जा, इस तो पहले कि तेरा चलान हो जावे। मैं नहीं जावांगा। जा रहे हैं भाजी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे तारों से करें बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे तारों से करें बातें। अच्छा अब आपने टीवी पे भी एक्टिंग दोबारा शुरू कर दी है, अब हम आपको वहाँ पे भी जलवा गर होते देखेंगे, छोटी स्क्रीन पे भी, तो क्या अब आप फिल्म भी दोबारा करेंगी, हम आपको फिल्म में भी देखेंगे अनकरीब? नहीं, टीवी पे मैंने एक्टिंग दोबारा शुरू नहीं की,
टीवी में मैंने पहली बार काम किया है। हाँ। मैंने पहले कभी टीवी पे काम नहीं किया, मैंने फिल्म में ही काम किया है या स्टेज किया था। तो फिल्म का वैसे अभी मैंने कोई सोचा नहीं है। तो अगर मैं नए लोगों को आना चाहिए तो करें। हीरोज वही रहते हैं, हीरोइंस चेंज होती रहती हैं। आप देख लें इंडिया में भी, आपस पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मरता नहीं है एक्टर, एक्टर उसका है। और इसका पहला प्यार मैं नहीं हूँ, पहला प्यार इसका फिल्म है। फिल्म भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी बनाऊंगा और उसमें यही होंगी। नहीं नहीं हुआ है ना सीक्वल, अब ये लोग भी वापस आए। देखिए करिश्मा कपूर इंडिया में वापस आई हैं, काजोल उन्हें शाहरुख खान के साथ देखिए फिर हीरोइन आई हैं। जी फिर हीरोइन आई हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब काम आपको आता है तब आपको बिठा देते हैं घर। फिल्म का जो हीरो होता है वो 40 प्लस का ही होता है। इंडियन हीरो सारे जो सुपर स्टार्स हैं, जो खान है, वो सारे 50 प्लस है। 50 प्लस, 50 प्लस है। सलमान खान ले लें, शाहरुख खान ले लें, सारे लड़की उनके साथ अब भी 18 साल की आती है। ऐसे ही है। लेकिन ये माशाल्लाह आपने इनके डांस और गाने तो देखे ही होंगे फिल्मों में। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीन साहब इकट्ठे नचते हैं, मैं इन्हां दे रूप च वेखे। रैम्बो साहब ते नचते नचते सेट पाड़ के दूसरे सेट च निकल जाते हैं। यार मैं इस तरह क्यों करूंगा, क्या मैं पागल हूँ? जी औरतों में चाहे जाने का जुनून होता है बड़ा, कि हमें लोग प्यार करें, हमारा चाव करें, हमारे नखरे उठाएं। तो आपने भेजा नखरे उठवाए जॉन रैम्बो से? नहीं, ऐसे कोई मैंने नखरे नहीं उठाए, लेकिन इन्होंने मेरे उठाए हैं नखरे, नाज बगैर कहे, बगैर कहे हमेशा इन्होंने मुझे बिल्कुल जैसे हीरोइंस को रखते हैं ना। असल में शादी क्यों नाकाम होती है हीरोइंस की, कि वो जब घर में चली जाती हैं तो उन्हें बीवियों की तरह रखा जाता है, उन्हें लिफ्ट नहीं कराई जाती, दाल नहीं, घर की मुर्गी दाल। हाँ हाँ, इस तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे हीरोइंस की तरह ट्रीट किया और मैं घर की खातून की तरह रही, वाइफ की तरह। क्या बात है, मतलब किचन में भी कैमरा लेके घूमते होंगे, एक्शन, ओ पकाओ, प्याज में डालना, रुको रुको रुको, कट कट, लाइटिंग ठीक नहीं, ओके ओके ओके, लहसुन डाल दो। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। एक तो जब मैं तैयार होती हूँ तब मेरी तारीफ जरूर करते हैं। यार क्या बात है यार, ये तो हक है। हाँ, और अब करते हैं तो मैं कहती हूँ आप क्या हुआ, जज्बाती हो गया था, याद आ गया ना, आपने टेंशन दे दी मुझे। अब करते हैं तो मैं कहती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक मेरी तारीफ करते हैं। एक इनकी और बात बताऊं मैं, कि ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सुनियारा कह रहा है। हाँ। गोल्ड की दुकान पे मैं गया, बड़ी दफा ऐसी बात हुई है, लेकिन एक सुने तो मैंने कहा कि ये ले लो, कहती है नहीं। मैंने कहा ये ले लो, कहती है नहीं। मालिक दुकान था वो खड़ा हो गया, कहता है रैम्बो साहब मेरे दादा ने भी ये काम किया, मेरे बाप ने भी किया, हमारी नस्ल कर रही है, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैंने आँख खुली है यही देखा है, और मैं बचपन से दुकान पर आ रहा हूँ, आज तक औरत को इनकार करते हुए जेवर पे हमने नहीं देखा, ये पहली खातून है जो जेवर से इनकार कर ली है, खामन दे के लेके दे रहा है और वो कह रही है नहीं लेना। नहीं नहीं ये गल नहीं है, वो बस शादी तो बाद उन्हें तो दिल ही उचाट हो गया उनकी जेवर पाने ने, बट ठीक है जो नसीबा से मिल गए। आप तीनों मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी जी। आज आप इंसानों में बैठ के क्या महसूस कर रहे हैं? पहली ये शख्सियत तो इन्हें जिन्होंने खोतिया नु सुपर हिट करा दिता। क्या बात है, उन तो खोता बरादरी है ना, दी बहुत इज्जत कर दी, उन्हें तो यकीन ही नहीं आता, कहते भी साढ़े चो ही हूं तो खोतिया के कोलो लंघ रहे हो ना, खोते इन्हों वेख के दोवी लत्त चुक के सलामी देंगे ने। कुछ मुनफरद खबरें सुनाने का वक्त हुआ चाहता है और आपको सुनाने के लिए यहाँ पर हम बोलेंगे निर्मल को कि कौन सी खबर है जो आप अभी हमें सुनाएंगी, और साथ साथ जॉन रैम्बो साहब आप और साहिबा जी जरा सुनिएगा कितनी ज़बरदस्त न्यूज़ मिलेगी आपको सुनने को, कभी भी नहीं सुनी होगी। जी लंदन में एक अजीब बीमारी में मुब्तला लड़की सुबह अंग्रेजी और शाम को जर्मन जुबान में बात करने लगी। माशाल्लाह रात नूं ते पंजाबी बोलन लग पैंदी होएगी। किवें कहंदी होएगी, गुड मॉर्निंग, डांके शुन, लगदा कोई लैंग्वेज प्रोफेसर टाइप जिन च मर गए। मैनूं लगदा किसे दी शह ते बोलन डई है। सुबह अंग्रेजी बोलदी है, शाम नूं जर्मनी बोलदी है, मां नाल सिद्धे मूंह नहीं बोलदी। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त का मजाक में बराए फरोख्त का इश्तिहार दे दिया और नीलामी लाखों डॉलर्स तक पहुंच गई। साडे दोस्त इहदा जो बराए फरोख्त दा इश्तिहार हुंदा ते इहदे बदले ते किसे ने सानू अपना बुखार नहीं सी देना। तेनू किसे भी चौक च खिलार के लान करा दिओ की लोकां ने ज्यादा ज्यादा नैलन दीआं जुत्तियां दे देनियां, किसे ने छान पूरा दे देना, किसे ने कोई पुराना लोहा दे देना,
ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਟੀਂਡੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਲਓ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲੈ ਲਓ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਾਏ ਲੈ ਲਓ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੇ ਅਨੋਖੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇ ਤੈਰਤੀ ਹੋਈ ਮਛਲੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਫੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਲੀਜੀਏ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੇ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਤੇ ਪੀ ਲੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਅਬ ਚਾਂਦ ਕਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਲੀਅਤ 6.5 ਕਰੋੜ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦ ਕਾ ਟੁਕੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਓ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਾਂਦ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ 6x6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਓਏ ਮਨਛਾ ਬਾਂਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਟ 6 ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ 46 ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਚੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋ ਪੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰੋ ਸੇ ਕਰੇ ਬਾਤੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी आवाज़ थी हमारे म्यूजिशियंस बहुत अच्छे थे हमारे जो कॉमेडी एक्टर्स हैं उन्होंने 4 चांद लगा दिए शो को उठा दिया एकदम तारे तो हैं ये चांद ही खुद है हाँ चांद खुद है क्या बेस्ट विशेस देना चाहिए और आप फिजा आप जहाँ होती हैं वहाँ तो छा जाती हैं तो मैं तो बहन हूँ ना उनकी प्यार हूँ घर का हिस्सा हूँ हाँ जबरदस्त बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर कमिंग बहुत शुक्रिया बुलाने का भी GNN का बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ी बात जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो कमाल के हैं आफ्ताब साहब के लिए तालियां